रहा हूँ बस यार, चीज अच्छी करो, कभी किसी का बुरा मत करो। और द मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं लाइफ में, पेरेंट्स से बढ़ के कुछ भी नहीं। बस पेरेंट्स की आप लोग वो करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपकी मदर है वो कुछ काम करने को बोल रही है, आप नहीं करें, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि नहीं मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, आप जाके लेके आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने ना बहुत बड़ा काम कर लिया, तो सबसे बेवकूफ आप हो, समझ रहे हो। पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी नहीं है, बस उनकी वो आप करो, उनको जितना आप लोग खुश रख सकते हो करो, उनकी सेवा पनी करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया, अब थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। चलो देखो, हम लोग, मैं क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, आप जानते हो मेटल ज्यादा है, मेटल 91 है कि नॉन मेटल्स 20 है, ज्यादा कौन है, मेटल्स है नॉन मेटल्स है, आपकी मेटल्स है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि भाई, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास में जो मेटल्स की जो संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ मेटल्स है वो ज्यादा है फ्रेंड्स, धातुओं की तुलना में। अधातुओं की संख्या बहुत कम है या धातुओं की संख्या ज्यादा है, फिर भी फ्रेंड्स ये जो आपका ब्रह्मांड है ना, इसमें जो अधिकांश जो भी मैटर है ना आप लोगों का, जो भी आप लोगों का सब्सटेंस है, वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से और हीलियम से, ठीक है। और ये दोनों ही फ्रेंड्स क्या है, आपके नॉन मेटल्स है, समझ रहे हो क्या, क्लियर है क्या। और जो आपकी भूपर्पटी होती है ना, उसका फ्रेंड्स 46.6% जो होता है वो किससे बना होता है, ऑक्सीजन से, क्लियर है क्या। और जो हमारे जो सजीव होते हैं ना, जो जीते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका भी जो अधिकांश भाग होता है ना फ्रेंड्स, वो अधात्विक तत्व से बना होता है, क्लियर है क्या। आगे हम लोग चलते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनकी दो प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो देख के पता पड़ जाए, केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग फ्रेंड्स रिएक्शन करके पता पड़े, क्लियर है क्या। तो बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी आ जाएगी फ्रेंड्स इनकी। अगर हम लोग जनरली बात करें कि अधात्विक तत्वों के अंतर्गत फ्रेंड्स तीनों स्टेट होती है फ्रेंड्स, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं। जैसे बात करें, कार्बन आपका नॉन मेटल है फ्रेंड्स, जो कि सॉलिड स्टेट में है। जो ब्रोमीन है फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, बताइए। ऐसा कौन सा मेटल है, अरे मेटल की बात कर रहा हूँ, मरकरी, ठीक है। जबकि जनरली सारे के सारे क्या रहते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जबकि ये आपके तीनों स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो गैस में ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गैसेस में, हाइड्रोजन। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, द्रव। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने कल देखा था जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, जबकि ये आपके क्या होता है, जो ठोस धातु जो होती है ना, जो सॉलिड आप लोगों की नॉन मेटल्स होती है, वो जनरली आप लोगों की ब्रिटल होती है, भंगुर होती है, इनमें फ्रेंड्स शाई नहीं होती, चमक विहीन होती है, और इनको सरलता से तोड़कर पीसकर बारीक चूर्ण में बनाया जा सकता है फ्रेंड। जैसे एक मटेरियल मैंने कल आपको बताया था कि डक्टाइल, क्या मैंने एक मटेरियल कल बताया था कि डक्टाइल क्या होता है, और एक होता है आप लोगों का ब्रिटल। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं जो ब्रिक होती है, जो ईट होती है, जो घर के निर्माण में काम में ली जाती है, तो बताइए वो कौन सा है, डक्टाइल या ब्रिटल है फ्रेंड्स। क्या आप लोग उस ईट को थोड़ा सा तोड़ के वो इलोंगेट होती जाएगी क्या, नहीं, वो फ्रेंड इलोंगेट होने से पहले फ्रैक्चर हो जाएगी, ज्यादा फ्रेंड्स क्या होती पाएगी, ज्यादा अमाउंट का जो डिफॉर्मेशन है, इलोंगेशन वो ले ही नहीं पाएगी। तो फ्रेंड्स जो आपके ब्रिटल मटेरियल होता है ना, उनको हम लोग पीस कर बारीक चूर्ण में करा जा सकता है। जैसे आप लोग की ईट क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का एक ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल है, क्लियर है क्या। तो कॉप, ये आप लोग के जो कोयला है, सल्फर है, ये सारे के आप लोग के नॉन मेटल्स है, ठीक है, जिनको हम लोग तोड़ के फ्रेंड्स किस में किया जा सकता है, चूरण किया जा सकता है। और फ्रेंड्स कार्बन का एक अन्य अपरूप है जो अधातु के इस गुण का अपवाद है, जो सर्वाधिक कठोर अधातु है, क्लियर है। अभी हम लोग बात करेंगे कार्बन अपरूप का, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ये आप लोग के नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, क्लियर है क्या। और इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है और मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है फ्रेंड्स, आपका लो होता है, क्लियर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, क्या बोलना चाह रहे हो, नेट नेट चल रहा है ना, मनीष शर्मा जी एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, फ्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा, एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए जिसके कोई दिक्कत आ रही हो फ्रेंड्स। कार्बन जो है, डायमंड जो है, ग्रेफाइट जो है, बोरोन जो है फ्रेंड्स, वो इसके एक्सेप्शन है, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग टेम्परेचर होते हैं
और इनके जो बॉइलिंग टेम्परेचर होते हैं वो फ्रेंड्स हाई होते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी और क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। चमक रहित मैंने आप लोगों को बता दिया, शाइन नहीं होती इनमें फ्रेंड्स। तन्यता रहित मतलब इसको आप लोग इलोंगेट नहीं कर सकते हो, इसको इलोंगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अनुनाद रहित, अनुनाद रहित का मतलब क्या है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेटल्स होते हैं इसको अगर हम लोग किसी सॉलिड सरफेस पे भेज मतलब टकराएंगे तो फ्रेंड्स ये आवाज उत्पन्न करते नहीं करते, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आवाज उत्पन्न नहीं करते, झंकार पूर्ण ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। समझ रहे हो बात को? सर मेरे भैया प्राइवेट जॉब करते हैं और उनको मना करने के बाद भी कल वो टूर पे गए, कोई काम था इसलिए। तो भाई मना करो छोटू लाल जी, यार छोटू लाल, अच्छा इसलिए आपका नाम छोटू है, वो बड़े भैया इसलिए। छोटू लाल जी मना करो, भैया को समझाओ कि भैया काम से बढ़ के अपना लाइफ है, समझ रहे हो? चलो और फ्रेंड जितनी भी यार आप अपने के इंडिया में ये तो प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं इंडिया की प्रॉब्लम। वो एक छोटी सी कंपनी है, चार पांच जने काम करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि नहीं इंडिया को हम ही चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको छोटी सी कंपनी का मान, कोई भी मान लो एक्सोजेड कोई कोचिंग है, उसमें 20-25 बच्चे आते हैं, दो तीन टीचर पढ़ाने वाले, बोले नहीं हम तो छुट्टी नहीं करेंगे हम तो। अरे बेवकूफ है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल अमेजोन आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अनअकैडमी वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं यार, वो कितना अफेक्ट होती है आपको पता है? लेकिन फिर भी एक भी एम्प्लॉय को बोला नहीं है कि ऑफिस का काम करो, सबकी छुट्टी कर दी। वर्क फ्रॉम होम है सबका, वर्क फ्रॉम होम है फ्रेंड्स, सबका वर्क फ्रॉम होम है। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है इसका मतलब फ्रेंड्स उस कंपनी के भरोसे क्या रहोगे तुम, वो तुम्हारी लाइफ के साथ खेल रही है, समझ रहे हो बात को? क्या देखी हो कंपनी आज, नहीं तो तुम्हारी लाइफ के साथ खेल रही है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि प्राइवेट जॉब बेकार होती है, लेकिन प्राइवेट में भी अलग ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए यार अपने एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय है तो सब है। बात करते हैं फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फ्रेंड्स मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ ये आपका एस ब्लॉक था, ये आप लोग का पी ब्लॉक था, ये आप लोग का डी ब्लॉक था, ये आप लोग का एफ ब्लॉक था। मुझे बताइए ये क्या थे, आपके एस ब्लॉक वाले हाइड्रोजन को छोड़ दे तो मेटल्स थे, और इधर हम लोग चलते जा रहे थे तो आपके नॉन मेटल्स की तरफ चल रहे थे क्या, बीच में इधर नॉन मेटल्स ये मेटलॉइड्स आ रहे थे बताओ। और यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ती जा रही थी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चोरी करने के जो आसार है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रेंड्स, पांच होंगे, छह होंगे, सात होंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर एक दो होते तो वो त्यागता, ग्रहण नहीं करता। तो मैं यही बोल रहा हूँ जो अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा साझा करके उत्कर्ष गैसों के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश में होते हैं 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो ये क्या चाहेगी फ्रेंड्स आप लोग के, कि जल्दी से 6 है तो 2 आ जाए 7 है तो 1 आ जाए। क्लियर है क्या? बात करते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन और हीलियम है ना, वो इसके एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन के आप लोग को पता है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। एबीजे नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरी। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है क्या? जबकि आपके जो हीलियम होता है उसके बाह्यतम कक्ष में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अधातु होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या डोनेट करेगी। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, बाह्यतम कोश में 5 है 6 है 7 में, चाहती है इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये कैटायन बनाएगा, ये एनायन बनाएगा। एनायन बनाएगा ना, ये बताओ एनायन बनाएगा, ऋणायन बनाएगा ना। और इनकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा तो होगी यार, चाहते हैं इलेक्ट्रॉन आ जाए जिससे अपना अष्टक पूरा हो जाए। क्लियर है क्या? चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करती है। तो देखिए फ्रेंड जो भी आप लोगों के नॉन मेटल्स है ना वो आप लोगों के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके नॉन मेटलिक आपके ऑक्साइड बनाती है। क्लियर? देखो जैसे जैसे कार्बन है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। क्लियर है क्या? जो कि एक अम्लीय प्रकृति का है। बात करें फ्रेंड्स आप लोग की हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रही है, जल बना रही है, जो कि उदासीन प्रकृति का है। अरे किसके बफरिंग हो रही है? श्रेया पाल जी एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, श्रेया पाल जी
एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए। क्लियर है क्या? और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें, मैंने भी आपको लोगों को बताया कि जो आप लोगों का क्लोरीन होता है, ये सल्फर है, ये क्या है आपके नॉन मेटल्स है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इनकी टेंडेंसी रहेगी ना रिनायन बनाने की, बताओ एनायन बनाने की। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, ये चाहता है एक आ जाए जिससे अष्टक पूरा हो जाए। क्लियर है क्या? अरे समझ रहे हो क्या? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं जल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अगर हम लोग जनरली बात करें, जो नॉन मेटल्स होता है ना वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती। क्लियर? लेकिन फ्रेंड्स परंतु अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये फ्रेंड्स वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी, कार्बनिक अम्ल। आपको पता है एसिड रेन जो होती है ना, एसिड रेन, अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड रेन सुना है क्या फ्रेंड? जो अम्ल वर्षा होती है इसका मतलब ये नहीं होता रेन में एसिडिक कंपोनेंट्स है। देखो जो नॉर्मल रेन होती है ना, नॉर्मल रेन सुन रहे हो क्या, जो आपकी प्योर रेन होती है ना, प्योर रेन फ्रेंड्स वो भी एसिडिक नेचर की होती है। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो करा था, अगर आपने देखा हो तो फ्रेंड जो आप वहां पर क्यों होती है, क्योंकि जो जल होता है ना वाटर, वो एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित है उसके साथ में रिएक्शन करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसकी वजह से वो एसिडिक होती है। लेकिन फ्रेंड्स एसिड रेन हम लोग कब बोलेंगे, जब बहुत ज्यादा एसिडिक कंपोनेंट्स आ जाए। और वो किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, आप लोग का जो जो इंडस्ट्री वगैरह इनसे जो आप लोग की गैसेज निकलती है जो रिएक्ट करके फ्रेंड्स और आप लोगों का क्या बनाती है फ्रेंड्स, एसिड का फॉर्मेशन करती है, तब जाके हम लोग उसको एसिड रेन बोलते हैं। लेकिन जो प्योर रेन होती है ना वो भी एसिडिक नेचर की होती है, ध्यान रखो। क्लियर है क्या? बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ आपके नॉन मेटल्स ऐसे होती है हाईली रिएक्टिव होती है, और अगर हम लोग इसको एटमोस्फेयर में खुला रखते हैं तो जलने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? जल में जलने लग जाती है। जिसको हम लोग जल में डुबा कर रखे जाते हैं, इसको हम लोग किस में रखे जाते हैं, जल में। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जिसको हम लोग जल में रखा जाता है, तो फॉस्फोरस को हम लोग जल में रखा जाता है। क्लियर है क्या? चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, अम्लों के साथ में अभिक्रिया कैसे करती है, ये देख लो, रिएक्शन देख लो, अम्लों के साथ में रिएक्शन कैसे कर रही है। देखो तो धातुओं के विपरीत अधिकतर धातुएं तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती, जबकि वो आप लोग कॉन्सेंट्रिक जो आपके एसिड थे उसके साथ में रिएक्शन कर रही थी मेटल्स, जबकि ये क्या कर रही थी, अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि अम्लों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब भाई उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, नॉन मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अरे एक छोड़े एक ले तब तो रिएक्शन हो भी, दोनों में ही चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन ले। क्लियर है क्या? जबकि आप लोगों को पता है जो आपके नॉन मेटल्स है वो विद्युत धनात्मक है, उनके पास में इलेक्ट्रॉन की वैसे कमी है, तो वो खुद स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। समझ रहे हो क्या? डेट्स वाई जो रिएक्शंस होती है वो होती नहीं है जनरली। लेकिन फ्रेंड्स बात करें कार्बन फास्फोरस सल्फर आदि जो नॉन मेटल्स है वो अम्लों के साथ में रिएक्शन करती है। देखो जैसे बात करें फ्रेंड्स आपकी कार्बन है फ्रेंड्स, वो क्या करेगी, अगर मैं आपके नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं तो देखो रिएक्शन हो रही है। क्लियर है क्या? आपकी सल्फर रिएक्शन हो रही है। समझ गए क्या फ्रेंड्स? समझ गए क्या? चलिए बिकॉज दे आर एक्सेप्शन, कार्बन सल्फर फास्फोरस। चलो आगे अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान। फ्रेंड्स हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, बताओ यहां पर एस ब्लॉक में क्या थे, एस ब्लॉक में क्या थे। अरे बफिंग कहाँ हो रही है छोटू लाल जी, यार आप ऐसे कमेंट करते हो यार, बफिंग कहाँ हो रही है, लिखने में मजा आता है कि BUFFFF कंट्रोल सी कर रखा है, मेरे को लगता है आपने थोड़ा सा भी टाइम में मन नहीं लग रहा, चलो कंट्रोल भी कर देता, कंट्रोल भी कर देते हैं यार, क्या करें बैठे बैठे, बफरिंग हुई होगी आधे घंटे पहले, वो कंट्रोल सी कर रखा है, उसको कंट्रोल भी कर देते, बैठे बैठे कुछ तो काम करे ना यार, बाहर जा नहीं सकते बैठे बैठे, क्या करें कंट्रोल भी कर ले। ठीक है कर देंगे राजेश कुमार जी, आ जाएगी। सही है पढ़े। देखो एस ब्लॉक थे उसमें सारे क्या थे, मेटल्स थे क्या? लेकिन आप बोलोगे कि यार एक चीज मुझे बताओ भाई, जो पहला वर्ग आएगा
दूसरा वर्ग आएगा वो भी तो आपके एस ब्लॉक में आएगा, तो आपके मेटल्स थे। लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स था। तो पहले वर्ग में एक हाइड्रोजन क्या आता है, आपका नॉन मेटल रहता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या फ्रेंड्स? आप लोगों को पता है जो ये वाले थे तो सारे नॉन मेटल्स थे। क्लियर, क्लियर। तो ये 17वां और 18वें वाले जिसको हम लोग हेलोजन समूह बोलते हैं और 18वें वाले को उत्कर्ष गैस बोलते हैं, ये सारे क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है क्या, ये याद रह जाएंगे क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आते हैं आप लोग के, तो वर्ग 14 में केवल कार्बन है, वर्ग 15 में ये है, वर्ग 16 में ये है। मैंने आप लोगों को एक टेबल दे दी थी जिसमें मैंने आपको बता दी थी कौन मेटल्स है, कौन नॉन मेटल्स है, कौन मेटलोइड्स है। आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं हाइड्रोजन की, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके नॉन मेटल्स है उसके बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन रासायनिक चिन्ह इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। इसकी जो खोज हुई थी किसने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, एंटोइन लेवाइजर ने किया था। समझ लो क्या बात को, गुरुदेव भगवत गीता का भी ज्ञान ज्ञान है आपको, वाओ। कुछ ज्ञान नहीं है मेरे को तो, मैं मतलब जनरली मेरे जो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ जो फील करता है अपन सभी, बस वो बोल रहा हूँ। परमाणु संख्या फ्रेंड्स कितनी है, 1H1। एटॉमिक जो नंबर है, परमाणु संख्या क्या है, 1 है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो हम लोग 1 AMU बोलते हैं ना, 1 AMU, बताओ। लेकिन बेसिकली वो 1.008 होता है फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किस स्टेट में, किस फेस में होती है, गैसीय फेस में होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 होगा। इसकी जो डेंसिटी होगी, याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी यू कैन रिमेम्बर, 0.09 ग्राम पर लीटर। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो 13.99 होगा, और जो तो बॉइलिंग होगा वो 20.39 केल्विन होगा। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका हाइड्रोजन है वो बना कैसे, तो हाइड्रोजन आपके दो वर्ग से मिलके बना है। क्लियर है क्या? एक है फ्रेंड्स आप लोग का हाइड्रो, और एक मिलके बना है जेनस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी यानी जल, और जेनस का मतलब क्या होता है, बनाने वाला, निर्माण करने वाला। क्लियर है क्या? अब बात आती है क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। क्लियर है क्या? कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर बता दीजिए, जिस जिस पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं ये लगा रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? ठीक है चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को पता है जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो पहला एलिमेंट ही फ्रेंड्स, पहला एलिमेंट ही वो कौन है, आप लोग का हाइड्रोजन है ही नहीं है। क्लियर है क्या? अब तक जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों को पता है ना, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसका है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसका है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें देखो, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटोन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, सिंपल है। क्लियर है क्या? इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब फ्रेंड्स इसके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना। एक होता है प्रोटियम, याद रखिए 1H1। एक होता है ड्यूट्रियम 1S2। एक होते हैं आपके ट्राइटियम 1S3। फ्रेंड्स वन ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या दर्शाता है, ये परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, प्रोटोन की संख्या, यानी इन तीनों में ही प्रोटोन की संख्या एक ही क्या, तो एक प्रोटोन एक प्रोटोन एक प्रोटोन। ठीक है, जितने प्रोटोन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन भी एक एक एक। न्यूट्रॉन क्या होगा, देखो ये जो आप लोगों का एटॉमिक मास है, परमाणु जो द्रव्यमान है, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक है। प्रोटॉन अगर एक है, न्यूट्रॉन कितना होगा, जीरो। इसमें कितना जगह, एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो है, प्रोटॉन एक हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी एक हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तीन है, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन दो हो जाएंगे। क्लियर है क्या? नेट गड़बड़ कर रहा है क्या आज? चलो भाई थोड़ा सा देख लो ना, फिर अपने बहुत क्लास है, फिर हम लोग उसमें पढ़ लेंगे थोड़ा सा, वो देख लो एक दो मिनट और पढ़ लो ना। हाँ आज सुबह वाली क्लास में नेट का इश्यू आ रहा था, ठीक है चलो चलो फ्रेंड्स को कर ले, नेक्स्ट क्लास में कर ले, अब नेट का इश्यू आ रहा थोड़ा सा, ठीक है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी 3-4 क्लास है बाकी, टेंशन मत लो, बढ़िया ढंग से पूरा सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। सर राजस्थान झुंझुनू में आज, ठीक है, तो सभी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, डोंट बी पैनिक, ज्यादा ऐसे परेशान मत हो कि यार क्या होगा क्या नहीं, बस अपने घर वाले को समझाइए। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जैसे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, माई फादर इज कारपेंटर है ना, तो वो इतने ज्यादा नहीं समझते, मेरी मदर नहीं समझती, तो भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ, मतलब अब मैं ऑफिस बैठा रहा हूँ क्या भाई पढ़ा है, तो भाई घर उनको बताओ कि भाई ऐसे बार बार हाथ धोइए साबुन से धोइए, अच्छा, क्योंकि अपने यार घर वाले तो नहीं समझते हैं, समझ रहे हो बात को।
बाकियों को भी आप लोग थोड़ा इन्फॉर्म करिए भाई, अपनी जो एजुकेशन उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी कि हम लोगों ने नौकरी ले ली, कोई पढ़ा रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो भाई वो उसकी एजुकेशन सफल हो गई। नहीं, जब तक आप अपनी एजुकेशन से जो अनएजुकेटेड है उसके लिए कुछ भला नहीं कर सकते, सब बेकार है। ठीक है, तो सबको बताइए, जागरूक करिए, जो आपके कॉलोनी में एक टिंचरे मुंचरे बच्चे डोलते रहते हैं ना, थप्पड़ देके अंदर करो उनको, सबको बोले चलो अंदर, छुट्टी के आगे 4 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं सामने, आज कल समझाए मैं उनको, आज वापिस समझाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।